हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। ये आपके सामने जो क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से है। और ये क्वेश्चन है बहुपद का, हमें बहुपद का भाग करना है। इसे क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव और क्यू एक्स में है एक्स माइनस वन। तो हमें पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देना, यानी ये जो क्वेश्चन है ये बहुपद का क्वेश्चन है, यानी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स इसे कहते हैं। तो हमें इसे बहुपद का भाग बनाना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव है और क्यू एक्स है एक्स माइनस वन है। तो हमें पी एक्स में क्यू एक्स से क्या करना है, तो भाग देना है। तो भाग देना है, सबसे पहले हमें भाग बना लेना है। भाग बना लेते हैं, भाग बना के यानी क्यू एक्स में भाग देना है। तो क्यू एक्स क्या है, एक्स माइनस वन, यानी जो हमारा क्यू एक्स होगा ना उसे हम बाहर लिखेंगे और पी एक्स को हमेशा हम क्या लिखेंगे, तो अंदर लिखेंगे। ठीक, अंदर लिखेंगे एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव। देखिए, हमेशा आपको पी एक्स को अंदर लिखना है और क्यू एक्स को बाहर लिखना है। ठीक है, जिसमें भाग देना है, जिसमें भाग देना है उसको अंदर लिखेंगे और जिससे भाग देना है उसको बाहर लिखेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हम इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा ये जो एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन है और दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव दिया हुआ है। तो हमें पहला अंक कैसे भी काटना है, ठीक ना, पहला अंक कैसे भी काटना होता है तो एक्स क्यू हमें लाना होगा, यानी पहला अंक काटने के लिए एक्स क्यू लाना होगा। यानी एक्स में हमें एक्स क्यू लाने के लिए क्या करना होगा, तो एक्स में किस अंक से गुना करना होगा, कितना से गुना करेंगे सो एक्स क्यू आ जाए। अगर हम एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं यहाँ पे, तो देखिए एक्स स्क्वायर ऊपर लिखेंगे हम इसको, भागफल जो हमारा आएगा उसको ऊपर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर से अगर हम गुना करते हैं इसमें एक्स क्यू एक्स में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। और जिससे हम इसमें गुना किए हैं ना, उसमें जो हमारा माइनस वन है उसको इससे गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर में आगे लिखने के लिए एक्स स्क्वायर में माइनस वन से अगर हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसको अब क्या, उसके बाद तो कोई अंक है नहीं, सो आगे हम करें तो इसको हमें भाग करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम घटाते हैं, इसको अब हम घटाएंगे। ठीक, घटाइए इसे, तो माइनस प्लस है माइनस है, एक्स क्यू प्लस में है एक एक्स क्यू माइनस में है, तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो नीचे साइन होगा, जो नीचे चिन्ह होगा ना, माइनस हो या प्लस हो, उसी को हमें से ध्यान रखना है। तो नीचे वाला चिन्ह क्या है, माइनस है और हम घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, नीचे वाले चिन्ह को हमेशा देखना है और जो हम घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं उसको ध्यान रखना है। तो नीचे वाला चिन्ह घटाव है और हम घटा रहे हैं, तो घटाव घटाव मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर में से माइनस थ्री एक्स स्क्वायर घटेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब जो आगे हमारा संख्या है वो लिख देंगे, प्लस थ्री एक्स है प्लस फाइव है। ठीक, आगे लिख दी। अब देखिए, अब हमें फिर हमेशा पहला अंक काटना है, हमें कैसे भी हो पहला अंक काटना है। तो हम फिर हमें गुना करना है, यानी एक्स में हम कितना से गुना करेंगे, एक्स में हम कितना से गुना करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाए। ये बात ध्यान में रखिए, माइनस टू एक्स स्क्वायर लाना है, तो हमें एक्स में कितना से गुना करना होगा। अगर हम एक्स में टू एक्स से गुना करते हैं, माइनस यहाँ पर टू एक्स लाना है और ये प्लस एक्स है, तो माइनस अगर हम माइनस टू एक्स से गुना करते हैं, माइनस टू एक्स से, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस टू एक्स से गुना किए। तो अब देखिए माइनस जो टू एक्स है, जो संख्या हम गुना किए हैं उसी संख्या को फिर आगे वाली संख्या यानी माइनस वन में गुना कर देंगे। तो माइनस टू एक्स में अगर हम माइनस वन से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस टू एक्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं। दो एक्स में एक से गुना करेंगे तो टू एक्स ही होगा और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। तो अब फिर इसको क्या करेंगे, इसके आगे कोई अंक नहीं है तो इतना पर इसको हम घटाएंगे। तो घटा रहे हैं, देखिए घटा रहे हैं और पहले से माइनस का चिन्ह है और घटा रहे हैं, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ घटा रहे हैं और यहाँ पे प्लस है, नीचे वाला चिन्ह देखना है, प्लस है घटा रहे हैं, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस ही होगा। तो तीन में से यानी दो एक्स घटेगा, तो कितना एक्स बचेगा, एक एक्स बचेगा, क्या कि तीन में से दो जा रहा है तो प्लस एक्स बचेगा। अब प्लस फाइव है तो फाइव लिख देंगे। अब देखिए अब क्या है, एक्स माइनस वन, यहाँ पे एक्स प्लस फाइव है,
तो अब हमें x लाना है, तो यहाँ पे x से कितना से गुना करेंगे सो x आ जाए, तो हमें x से गुना करना होगा, x से हमें गुना करना होगा। इसमें अगर हम प्लस एक से गुना करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, x आ जाएगा। तो x और फिर एक में माइनस एक से गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक आ जाएगा। और फिर संख्या समाप्त हो गया आगे, तो यहीं पे इसे हम घटाएंगे, तो घटा रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया। और पहले से यहाँ पे माइनस है, नीचे वाला चिन्ह माइनस है और हम घटा रहे हैं, तो माइनस पहले से और अभी घटा रहे हैं, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। अब देखिए पाँच ऊपर प्लस में है, नीचे ऊपर जो चिन्ह है वो प्लस में है, ये वन, तो पाँच और एक छः हो गया, हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो जो हमारा ये आया, इसे हम क्या बोलते हैं, ये रिमाइंडर इसे बोलते हैं, ठीक। इसे क्या बोलेंगे, शेषफल, यानी शेषफल जो है हमारा छः आया, और जो ऊपर में हमारा ये आया है इसे हम क्या बोलते हैं, तो भागफल बोलते हैं, क्वोशेंट इसको इंग्लिश में बोलेंगे, भागफल। यानी रिजल्ट जो हमारा आया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये हमारा रिजल्ट आया है, और भागफल शेषफल आपको यहाँ पे है छः। तो यही हमारा सॉल्व हो गया बहुपद का भाग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इस प्रकार आप टेंथ के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुपद का भाग यानी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसको आप बना सकते हैं इसी तरीका से। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू।